उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं आयुषि, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग। आज हम जिस पे बात करेंगे, जिस टॉपिक पर, वो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये तुलनात्मक राजनीति, जिसका हमने इससे पहले हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे चर्चा की थी, और आज हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे बात करेंगे। जनरली जैसे कि मैंने लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें भी बताया था कि जो दो तरह की गवर्नमेंट है, वैसे सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है, पर जनरली जो देखा गया है, जो एडॉप्ट किए गए हैं ज़्यादातर देशों ने, इन दोनों ही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को किया है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम लास्ट लेक्चर में समझ चुके हैं, और काफ़ी हद तक हमने उसी लेक्चर में ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसे हिंदी में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं, इनकी दोनों की हमने काफ़ी हद तक तुलना की थी। लेकिन विशेष तौर पर जब हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ते हैं, जब हम अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को पढ़ रहे हैं, और हमें ये समझना है कि किसी पर्टिकुलर कंट्री में किस तरह की सरकार है, किस तरह की शासन व्यवस्था है, तो हमें किन किन व्यवस्थाओं पर, उनके क्या क्या फीचर्स हैं, उनको ध्यान देना पड़ेगा, और क्या फ़ायदा है किसी, अगर कोई देश है, अगर वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ऑप्ट करता है, उसके क्या मेरिट्स होते हैं, डीमेरिट्स उसके क्या क्या हैं। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि एग्जांपल्स दिए थे, बेस्ट एग्जांपल जो है इसका अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका ने ही सबसे पहले इसको ऑप्ट किया था, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, क्योंकि उस टाइम पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही चल रहा था, तो उस मतलब कि उस वो उसे नहीं अपनाना चाह रहे थे, तो उसके लिए उनके द्वारा इस नई पद्धति का प्रयोग किया गया। तो जब हम बात करते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम की, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, तो ये क्या है, पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये एग्जैक्टली अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था किसे कहा जाता है। तो द प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द प्रेसिडेंट इज द चीफ एग्जीक्यूटिव एंड इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। तो जैसे कि हम प्रेसिडेंशियल, प्रेसिडेंट, ये नाम से ही इंग्लिश में जैसे इसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, तो ये नाम से ही आपको मतलब हमें समझ में आता है कि ये यहाँ पर जो है प्रेसिडेंट से रिलेटेड ही कुछ मसला है, और यहाँ पर जो पावरफुल जो पोजीशन है, पावरफुल पोजीशन में प्रेसिडेंट ही होंगे। तो यहाँ पर जो कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द प्रेसिडेंट इज द चीफ एग्जीक्यूटिव, यहाँ पर जो राष्ट्रपति होते हैं देश के, वो जो है चीफ एग्जीक्यूटिव, मुख्य कार्यपालिका के जो हेड होते हैं वो यही होते हैं, और ये जो है लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। जैसे आप देखेंगे कि इंडिया में हमारे यहाँ पर जो राष्ट्रपति हैं, या फिर जो अभी संसदीय शासन व्यवस्था की हम बात करें, तो वहाँ पर दो तरह की कार्यपालिका की हमने बात की थी, एक नॉमिनल हेड होता है और एक रियल एग्जीक्यूटिव होती है। नॉमिनल में जो बात आती है वो होते हैं प्रेसिडेंट, जिन जो कि सिर्फ नाम मात्र की जिनके पास शक्तियाँ होती हैं, और उनका चुनाव डायरेक्टली लोग भी नहीं करते, उनका चुनाव होता है जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, चाहे वो MPs हों और MLA हों, जो जिन्हें हमने डायरेक्टली चुना है, वो जो है प्रेसिडेंट को चुनते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि लोगों के द्वारा एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू जो है प्रेसिडेंट को चुना जाता है। इन दिस सिस्टम ऑल थ्री ब्रांचेस, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी की जब हम बात करते हैं, जब भी हम किसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को समझना है, तो बेसिक रूल है कि इन तीनों जो थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, इनके बीच में एग्जैक्टली रिलेशन किस तरह का है, उसी के आधार पर हम जो है किसी भी देश की व्यवस्था को समझ पाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, इन तीनों ही ब्रांचेस के बीच में जो रिलेशन है वो मतलब सेपरेट है, इंडिपेंडेंट है वो एक दूसरे से, दे आर कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एंड नो ब्रांच कैन डिसमिस और डिसॉल्व एनी अदर, और ना ही कोई भी एक ब्रांच किसी दूसरी ब्रांच को डिसमिस या डिसॉल्व करने की शक्ति रखती है। द प्रेजिडेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग लॉज, द लेजिस्लेचर फॉर मेकिंग देम, इन द कोर्ट्स फॉर जजिंग, ईच इज गिवन स्पेसिफिक पावर टू चेक एंड बैलेंस द अदर्स। तो यहाँ पर जो ये तीनों ही हमारे
ये ऑर्गन्स हैं सरकार के, तीनों ही जो अंग हैं ये क्या करते हैं, चेक एंड बैलेंस का भी काम कर रहे होते हैं कि कहीं जो दूसरा ऑर्गन है वो किसी भी तरह से अपनी ज़्यादा मतलब कि अतिक्रमण तो नहीं कर रहा है अपनी पावर्स का। तो इस तरह से इनका जो रोल है वो चेक एंड बैलेंस का भी रहता है। This system was invented by America's founder to provide an alternative to the parliamentary form of government. It became known as presidential because a directly elected president was its most salient difference. This doesn't mean that the president hold supremacy like the prime minister or पार्लियामेंट। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि अमेरिका के जो फाउंडर्स थे उन्होंने कोशिश की कि हमें एक अल्टरनेटिव सरकार की, एक अल्टरनेटिव शासन व्यवस्था की ज़रूरत है, इसलिए इनके द्वारा जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डेवलप किया गया। तो इसमें जैसे यहाँ पर आप देखेंगे फाउंडर जो है थॉमस जेफरसन है, अमेरिका ये एन अमेरिकन फाउंडिंग फादर इनको कहा जाता है। इनका एक कोट है कि डिवाइड पावर्स फॉर गुड एंड सेफ गवर्नमेंट। जो पावर्स हैं उनको डिवाइड, एक अच्छे के लिए पावर्स को डिवाइड करें और सेफ गवर्नमेंट और सरकार को जो है वो सेफ मतलब सुरक्षित किया जाए। इसीलिए मतलब आप देखेंगे कि सेपरेशन ऑफ पावर का जो रूल है वो इसी से संबंधित है। अब हम समझेंगे कि क्या क्या फीचर है प्रेसिडेंशियल सिस्टम के। फीचर्स पहला फीचर है रियल हेड ऑफ द स्टेट। अब हम जैसे कि ये तुलनात्मक राजनीति का ही विषय है तो इसको हम साथ ही साथ तुलना करते हुए समझ लेते हैं कि जब हमने लास्ट लेक्चर में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा था, पार्लियामेंट्री सिस्टम हम पढ़ रहे थे, तो एग्जैक्टली यहाँ पर रियल हेड ऑफ द स्टेट की बात, जैसे ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम में रियल हेड ऑफ द स्टेट की बात की जा रही है कि यहाँ पर जो है इन दिस सिस्टम द हेड ऑफ द स्टेट इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड। मतलब यहाँ पर जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वही हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव भी होगा। और आपने पार्लियामेंट्री सिस्टम में पढ़ा था कि वहाँ पर दो तरह की एग्जीक्यूटिव्स होती हैं, पहली जो एग्जीक्यूटिव है वो हमारी नॉमिनल होती है, दूसरी हमारी रियल होती है। एक हमारा हेड ऑफ द स्टेट अलग होता है और हमारा हेड ऑफ द गवर्नमेंट अलग होता है। लेकिन जब हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पर इस तरह की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर जो है एक ही हेड होगा जो कि स्टेट का भी हेड होगा और जो गवर्नमेंट का भी हेड होगा। सेपरेशन ऑफ पावर इनका जो है बेसिक रूल है, सेपरेशन ऑफ पावर। जैसे कि हमारे यहाँ पर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसका जो बेसिक रूल है वो है मतलब एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का रूल है और उनके बीच में जो रिलेशन है वो एक अंतर्निर्भरता का सिद्धांत को वो लोग फॉलो करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे, लेकिन यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत को फॉलो किया जाता है। द प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर अमंग द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे कि शुरू में भी बताया जा चुका है कि इन जो भी हमारी सरकार के तीन अंग हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, इन तीनों के बीच में जो है पावर्स का सेपरेशन मतलब जो शक्ति है उनका पृथककरण होता है। द एग्जीक्यूटिव, जो एग्जीक्यूटिव है मतलब जो हमारी कार्यपालिका है वो जो है वो लेजिस्लेचर के प्रति उनकी कोई जवाबदेही नहीं होती, रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। द एग्जीक्यूटिव कैन नॉट डिसॉल्व द लेजिस्लेचर, और ना ही एग्जीक्यूटिव के पास एज सच ऐसी कोई पावर है कि वो लेजिस्लेचर को डिसॉल्व करे। एंड द जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। और जो हमारी जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, जो न्यायपालिका होती है वो इन दोनों से ही पूर्णतः स्वतंत्र होती है। प्रिंसिपल ऑफ चेक एंड बैलेंस, यहाँ पर जो ये चेक एंड बैलेंस का जो रूल है प्रिंसिपल, उसके सिद्धांत पर ये चलता है। ऑल द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बट ऑल आर चेकिंग ईच अदर एंड रिस्ट्रेनिंग ईच अदर फ्रॉम एनी टाइप ऑफ ट्रांसग्रेशन ऑफ देयर पावर एंड फंक्शन। तो ये इनका जो रोल है, ये इनका एक तो ये क्योंकि तीनों ही सेपरेट हैं, तीनों ऑर्गन सेपरेट हैं, लेकिन साथ ही साथ इनका रोल ये रहता है कि तीनों ही एक दूसरे को ये देखते हैं कि कहीं कोई भी अपने क्षेत्र का, अपनी पावर्स का जो है अतिक्रमण ना कर रहा हो। इसका एक और फीचर, इसके कुछ फीचर्स ये भी हैं, इसमें लगभग ऐसा है कि ज़्यादा ये मतलब बहुत ही ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं वही इसमें शामिल किए गए हैं। सुपीरियर पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट, इसमें जो प्रेसिडेंट की जो पोजीशन होती है वो सुपीरियर होती है।
साथ ही साथ पॉलिटिकल होमोजेनिटी नॉट नेसेसरी. इट इज नॉट नेसेसरी दैट द ऑल कैबिनेट शुड बिलोंग टू द सेम पॉलिटिकल पार्टी. ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जो भी कैबिनेट की जो कैबिनेट में जितने भी मेंबर्स होंगे वो एक ही पार्टी से बिलोंग करते हो या संबंध रखते हो. अब हम बात करेंगे कि अच्छा मेरिट्स क्या क्या गुण हैं, क्या फायदे अगर हम कोई भी देश में ये व्यवस्था है तो क्या क्या उसकी उसके मेरिट्स हैं इस व्यवस्था के. तो यहाँ पर जो है सेपरेशन ऑफ पावर है इनका जो बेसिक प्रिंसिपल है. तीनों ही ब्रांचेस जो है वो इंडिपेंडेंट होते हैं और उससे क्या होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव होती है, वो बनी रहती है. एक्सपर्ट होते हैं गवर्नमेंट में, एक्सपर्ट गवर्नमेंट जैसे कि वहाँ की जो कैबिनेट होती है उसमें जो है जनरली एग्जीक्यूटिव जो ब्रांच है उसमें प्रेसिडेंट जो है उन्हीं लोगों को शामिल करते हैं जिसकी जिसकी जिस मिनिस्ट्री में उनको वही मिनिस्ट्री दी जाती है जिसमें उनका स्पेशलाइजेशन हो. बिकॉज द एग्जीक्यूटिव ब्रांच डज नॉट हैव टू इंक्लूड लेजिस्लेचर्स. मतलब ऐसा एज सच कोई रूल नहीं है कि जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी वो जो है लेजिस्लेचर से ही निकल के आएगी जैसा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है. द प्रेजिडेंट कैन अपॉइंट स्पेशलिस्ट इन अ वेराइटी ऑफ प्रोफेशंस टू लीड एप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज. तो इससे क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं, जो राष्ट्रपति होते हैं, उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है उन लोगों को जिन लोगों का जिसमें स्पेशलाइजेशन है उन्हीं को उसमें अपॉइंट करने का. जिन भी उन लोग जैसे अगर उन्होंने किसी भी एक व्यक्ति का जिनका कि फॉरेन मिनिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन है तो वो उनको वो मिनिस्ट्री सौंप सकते हैं. ये उनके लिए एक मतलब एक अपॉर्चुनिटी होती है इस सिस्टम में. दिस विल इंश्योर दैट द गवर्नमेंट इज मेड अप ऑफ स्किल्ड एंड नॉलेजेबल इंडिविजुअल्स. तो जनरली फिर इससे ये होता है कि वहाँ पर स्किल्ड और नॉलेजेबल जो लोग हैं वो वहाँ तक पहुँचते हैं और अपनी अपनी मिनिस्ट्री को फिर उस तरह से रन करते हैं. स्टेबिलिटी, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जो मैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बता रही थी तो उसमें मैंने बेसिक आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि हम इंडिया ने क्यों जो है ये अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को नहीं चुना और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब संसदात्मक शासन व्यवस्था को चुना. तो इसका जो वो बेसिक जो रूल था वो स्टेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी. इंडिया ने उस समय जो है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को सही चुना. उन्होंने उनका ये मानना था कि इस समय हमारे देश को एक स्टेबल की स्थिर सरकार की जगह एक उत्तरदायी सरकार की ज़रूरत है. तो जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसका एक मेरिट होता है स्टेबिलिटी, क्योंकि वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, जो राष्ट्रपति हैं, उनको एक फिक्स टेन्योर दिया जाता है. जैसे हमारे यहाँ पर क्या है, अगर सरकार आ गई है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो अपना पूरा कार्यकाल ही ख़त्म करे. ऐसे बहुत से अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है और इस तरह के मतलब बहुत से क्लॉजेस हैं जिस वजह से जो है सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती है. लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसी व्यवस्था नहीं है. वहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल होती है. दिस सॉर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ अ हाई लेवल ऑफ स्टेबिलिटी बिकॉज द प्रेसिडेंट्स टेन्योर इज फिक्स्ड एंड नॉट डिपेंडेंट ऑन पार्लियामेंट्री सपोर्ट. ही डज नॉट हैव टू वरी अबाउट लूजिंग पावर. जैसे कि जो हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो प्राइम मिनिस्टर है उनको जो है हमेशा पार्लियामेंट की सपोर्ट की जरूरत होती है अगर वो मेजॉरिटी में नहीं है तो. देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्सिंग अनएक्सपेक्टेडली. द प्रेसिडेंट इज नॉट अंडर एनी पॉलिटिकल ड्यूरिस इन मेकिंग जजमेंट्स. इसके बाद है लेस इन्फ्लुएंस ऑफ द पार्टी सिस्टम एट सच. वहाँ जैसे हमारे यहाँ पर जो है जहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था होती है वहाँ पर पार्टी सिस्टम का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, पार्टीज का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है. लेकिन यहाँ पर जो है पार्टी सिस्टम का इतना बहुत ही कम इन्फ्लुएंस होता है. पॉलिटिकल पार्टीज हैव लेस क्लाउड बिकॉज द गवर्नमेंट ड्यूरेशन इज फिक्स्ड देयरफॉर दे डोंट ट्राई टू अनसीट इट. तो क्योंकि अब इन लोगों का जो है टेन्योर भी फिक्स रहता है तो मतलब बहुत ज़्यादा वो लोग इंटरफेरेंस नहीं कर सकते. जैसे हम अमेरिका में देखेंगे तो अगर वहाँ पर जिस भी पार्टी की सरकार आएगी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दूसरा पार्टी वहाँ पर इंटरफेरेंस करेंगे, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है. बहुत रेयर चांस होते हैं जब ऐसे महाभियोग की प्रक्रिया वहाँ पर इम्पीचमेंट चले, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पर व्यवस्था.
क्विक एंड डिसाइसिवनेस इन डिसीजन मेकिंग, ये वहाँ का जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट, मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट मेरिट्स के तौर पर आप इसको मेरिट के तौर पर कंसिडर कर सकते हैं. द प्रेजिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मेक्स फॉर डिसाइसिव एक्शन बिकॉज द प्रेजिडेंट नोज दैट द बक स्टॉप ऑन हिज डेस्क, अ फ्रेज पॉपुलराइज बाय द लेट हैरी ट्रूमैन. When, तो यहाँ ये इसमें एक फ्रेज है जो कि ट्रूमैन वहाँ के जो कि पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, तो उनका उन्होंने एक फ्रेज दिया था दैट द बक स्टॉप ऑन हिज डेस्क, मतलब कि कोई भी जो भी काम है वो उन तक आके ही, मतलब उन्हीं के ही कार्य क्षेत्र में, उनके ही अधिकार क्षेत्र से कोई भी काम होगा. तो उन्होंने ये अपना जो फ्रेज है ये फ्रेज उन्होंने दिया था जब उन्होंने न्यूक्लियर वेपन, जैसे हमें पता है कि न्यूक्लियर वेपन हिरोशिमा और नागासाकी में जब ये जापान की जो दो शहर हैं उनमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे उन शहरों में डाले गए थे, तो उस दौरान जो है ट्रूमैन ने इस तरह के एक फ्रेज का यूज़ किया था और अपना पावर बताई थी कि किस तरह से वो डिसाइसिव होते हैं और उनके पास जो डिसीजन मेकिंग की जो पावर है कितनी, मतलब जो सेंट्रलाइज्ड है. In America and Nigeria, the Constitution did not even make it mandatory for the President to call a meeting of the Executive Council before he can take action on any issue. तो मतलब ऐसा वहाँ पर ऐसा भी कोई वहाँ पर मैंडेटरी रूल नहीं है कि अगर इनको कोई एक्शन लेना है तो वो जो है कोई मीटिंग वगैरह काउंसिल के बैठाएंगे और उसके बाद ही वो इस तरह की मीटिंग कोई एक्शन लेंगे. तो ये भी वहाँ पर, मतलब जनरली ये जो फेज डालने का मेरा मोटिव था वो ये था, ये बताना कि किस किस लेवल के डिसाइसिव होते हैं वहाँ के प्रेसिडेंट्स. अब हम इसकी बात करेंगे डीमेरिट्स. अब हमने जब इसके मेरिट्स पढ़े हैं तो स्वाभाविक है कि इसके हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसके डीमेरिट्स क्या क्या हैं. तो इसका पहला जो है वो प्रोन टू डिक्टेटरशिप, ऐसा मतलब बहुत ऐसे चांसेस होते हैं कि ये डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़े द प्रेजिडेंशियल. अब क्योंकि हमने जैसे अभी तक देखा कि प्रेजिडेंट के पास इतनी ज़्यादा पावर है कुछ कुछ चीज़ों को लेकर, तो ये स्वाभाविक है कि अगर कभी कोई ऐसा व्यक्ति आ गया सत्ता में तो उस तरह से वो अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग कर सकता है. लेकिन ये डिपेंड करता है वहाँ के लोगों के, वहाँ की जनता के ऊपर, क्योंकि जनता के पास बहुत ज़्यादा शक्ति होती है. तो अगर वहाँ के लोग अवेयर होंगे तो इस तरह की स्थिति बहुत रेयर होगी, लेकिन अगर हम इस ओवरऑल सिस्टम को समझेंगे तो इस तरह के सिस्टम में इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं. तो द प्रेजिडेंशियल सिस्टम इज प्रोन टू डिक्टेटरशिप और अब्यूज ऑफ ऑफिस विच इज डेंजरस टू द डेमोक्रेटिक प्रोसेस. दिस इज अ रिजल्ट ऑफ इनॉर्मस पावर दैट इज कंसंट्रेटेड इन द ऑफिस ऑफ द प्रेजिडेंट. इसके बाद है लेस रिस्पॉन्सिबल एग्जीक्यूटिव, क्योंकि लेजिस्लेचर का एज सच, मतलब लेजिस्लेचर के जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो एग्जीक्यूटिव होता है वो लेजिस्लेचर के प्रति जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता. तो जो एग्जीक्यूटिव है वो उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है. डेडलॉक बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर. अब ऐसा भी नहीं है कि सिंस देयर इज मोर स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर है, चाहे यहाँ पर जो है कितना ही मतलब स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर क्यों ना हो, देयर कैन बी फ्रीक्वेंट टसल्स बिटवीन बोथ आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट. उसके बावजूद भी दोनों ही जो हमारे शाखाएं हैं सरकार के जो अंग हैं उनके बीच में टसल होना, ये होना स्वाभाविक है और नॉर्मल भी होता है. स्पेशली इफ द लेजिस्लेचर इज नॉट डोमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट्स पॉलिटिकल पार्टी. तो इस ऐसा अक्सर तब देखा जाएगा जो लेजिस्लेचर है, अगर लेजिस्लेचर जो है वो प्रेसिडेंट की पार्टी से नहीं होगी या मतलब डोमिनेट, मतलब उनकी जो पावर वहाँ पर मेजॉरिटी में अगर नहीं होगी तो इस तरह के टसल तब देखे जा सकते हैं. रिजिड गवर्नमेंट है वहाँ पर जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम आर ऑफन एक्यूज्ड ऑफ बीइंग रिजिड, क्योंकि इसमें क्या होता है फ्लेक्सिबिलिटी की कमी होती है. स्पॉइल सिस्टम, ये बहुत बार ये इस पर बात होती है कि अमेरिका में जो है स्पॉइल सिस्टम ही फॉलो किया जाता है. स्पॉइल सिस्टम को हिंदी में लूट प्रथा कहा जाता है. द सिस्टम गिव्स द प्रेसिडेंट स्वीपिंग पावर ऑफ पैट्रोनेज, हेयर ही कैन चूज एग्जीक्यूटिव एज पर हिज विल. वो अपने ही हिसाब से या अपनी इच्छा के अनुरूप जो है अपने एग्जीक्यूटिव को चुन सकता है. दिस गिव्स राइज टू द स्पॉइल सिस्टम वेयर पीपल क्लोज टू द प्रेजिडेंट
जो भी प्रेसिडेंट के क्लोज होंगे, चाहे उसके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव हैं, बिजनेस एसोसिएट्स हैं, उन लोगों को जो है उनकी जो है गवर्नमेंट में भागीदारी बढ़ जाती है और वो एग्जीक्यूटिव के मेंबर बनने के उनके चांसेस और ज़्यादा रहते हैं। तो ये है इसके मैरिट डीमेरिट्स, और आज हमने जो है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के मैरिट्स और डीमेरिट्स को समझा है, और ये है अमेरिका का जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसके बारे में एक हल्का सा, मतलब स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पर किस तरह से काम करती है और एक वहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट होती है वो किस तरह से होती है। जैसे अगर हम फेडरल गवर्नमेंट को समझेंगे, यहाँ पर लेजिस्लेटिव, उसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसे हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है, इंडिया में लोकसभा हो गया, सीनेट है काउंसिल ऑफ स्टेट जो कि वहाँ का अपर हाउस है, और ये जुडिशरी जो है चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस इसमें आते हैं, एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट और कैबिनेट आ जाता है, प्रेसिडेंट ही जो है वो कैबिनेट को चुनता है, और इस तरह से यहाँ पर जो है स्टेट गवर्नमेंट का भी है कि लेजिस्लेटिव में वहाँ पर असेंबली और सीनेट है, और एग्जीक्यूटिव में गवर्नर और कैबिनेट है, चीफ जजेस एंड अदर जजेस हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नॉन पार्टीशन जो है ये ब्लू कलर के, इसमें जैसे जजेस के उसमें नॉन पार्टीशन है, और यहाँ पर पार्टीशन है इनका, और एक्चुअल अपॉइंटिंग अथॉरिटी जैसे कि एरो के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि जो एक्चुअल अपॉइंटिंग अथॉरिटी इनकी कौन है, जैसे कि यहाँ पर कैबिनेट की है तो कैबिनेट की जो है वो है गवर्नर है, यहाँ पर चीफ जजेस एंड अदर जजेस के यहाँ से गवर्नर और सीनेट जो है वो चीफ जजेस एंड अदर जजेस को चुनते हैं। ठीक इसी तरह से जो जुडिशरी है सुप्रीम कोर्ट यहाँ फेडरल गवर्नमेंट में अमेरिका की, तो वहाँ पर जो है प्रेसिडेंट और सीनेट के थ्रू माध्यम से इनको चुना जाता है। तो ये है हमारा अमेरिका का प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो आज का जो हमारा लेक्चर था इसमें हमने अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था क्या है इसको समझने का प्रयास किया, साथ ही साथ इसके फीचर्स क्या है, इसके मेरिट क्या है, इसके डीमेरिट्स क्या है, और अमेरिका का जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं, और अब हम जो है इसके लिए तैयार हैं कि हम ये समझ पाएं एग्जैक्टली कि हमें जो कंपेयर करना है प्रेसिडेंशियल सिस्टम को और पार्लियामेंट्री सिस्टम, अब हम दोनों का ही लेक्चर हमारा हो चुका है, तो अब हम उस पोजीशन में आ चुके हैं कि हम दोनों ही देशों की दोनों ही शासन व्यवस्थाओं का की तुलना कर पाएं और इनको हम और बेहतर तरीके से दोनों ही व्यवस्थाओं को समझ पाएं। धन्यवाद।